साफ जाना जाता है और ये सब जैसा कि दोस्तों हम उसके करीब पहुंच चुके हैं और उसे दोस्तों हम पकड़ लिए हैं। ये इंडियन रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इंडियन रेड स्नैक के नाम से ये दोस्तों सांप जाना जाता है और ये सांप जाना जाता है और ये सांप बिल्कुल नहीं होता जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। और ये सांप दोस्तों फुर्तीला बहुत होता है, इसे लोग अक्सर गांव में धामन के नाम से जानते हैं। ये बाइट भी दोस्तों तेजी से करता है, लेकिन ये नॉर्मल में सांप है, जहरीला बिल्कुल नहीं होता, लोगों का अंधविश्वास है दोस्तों। और यहाँ के लोग भी दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, जो इसे बचाने का पूरा प्रयास किया है इन लोगों ने। दोस्तों ये सांप दबेगा तभी बाइट करता है, नहीं तो ऐसा किसी को ये बाइट नहीं करता। जब भी दोस्तों इसके साथ कोई भी छेड़खानी, कोई भी बदतमीजी होती है तभी ये सांप दोस्तों बाइट करता है और ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता। तकरीबन दोस्तों इसकी लंबाई 8 से 9 फीट के आसपास होती है। इसकी लंबाई दोस्तों इस समय 4 से 4.5 फीट के आसपास है। अलग अलग स्टेट में दोस्तों अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। कहीं कहीं इसे घोड़करैत के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं धामन के नाम से जानते हैं और ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता। ऐसे सांपों के काटने के बाद दोस्तों आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जहरीला नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और गांव में दोस्तों अक्सर लोगों का अंधविश्वास रहता है दोस्तों, इसके पूंछ में जहर होता है, अगर पूंछ से लग गया तो वहाँ सड़न चालू हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसी सांप को लोग कहते हैं, ये सांप गाय का दूध भी पीता है, लेकिन सांप दूध नहीं पीता। और काफ़ी मशक्कत के बाद दोस्तों इस सांप को हम रेस्क्यू कर लिए सुरक्षित और इसे पैक करने का पूरा प्रयास करते हैं दोस्तों। भैया एक बोरी दे दीजिए पैक करने।